कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ, पार्सल आएगा मेरा बट अभी तक नहीं आया और आप आ चुके हो। बेटो कैसे शुरू करूँ यार? वाह भाई वाह, मेरा पार्सल खुद रखे और वीडियो शुरू करने, हाथ डाले ला मेरा पार्सल लाओ, पहले दे दे तो पहले स्टार्ट कर लेते वीडियो। भाई मैं अभिषेक और आज हम करने वाले हैं बोया भाई MM1 माइक की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये माइक को अधिकतर आपने व्लॉगर्स को यूज करते देखा होगा क्योंकि ये एक डायरेक्शनल माइक है, एक ही डायरेक्शन की ऑडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है ये माइक। और भाई इन बजट इससे ज्यादा अच्छा माइक आपको मिलने वाला नहीं है मार्केट में, क्योंकि इसी टाइप का एक रोड का माइक है जो 5500 से 6000 रुपए में मिलता है, बट ये आपको मात्र 1800 से 2000 रुपए में मिल जाता है। इन बजट बोया भाई MM1 माइक बिल्कुल परफेक्ट है हर व्लॉगर के लिए, क्योंकि 1800 से 2000 रुपए में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ऑडियो प्रोवाइड करता है। अनबॉक्स भी तो करना पड़ेगा, चलो। देखो ये है शॉक माउंट, शॉक मतलब समझ ही सकते हो, जरा सा ज्यादा हिलता है तो माइक पे थोड़ा सा असर पड़ता है, ऑडियो क्वालिटी में पड़ता है, तो उसे ही अब्सॉर्ब करता है ये शॉक माउंट। देखो ये रिंग वाला जो केबल है ये आपके कैमरा और माइक्रोफोन के लिए होता है, इसका जो एक पॉइंट है वो आपके माइक पे लगेगा और एक पॉइंट है जो आपके कैमरा पे लगेगा, तो ये आपका कैमरा के लिए परफेक्ट होता है। बट अगर आप यूज करना चाहते हो स्मार्टफोन के साथ तो उसके लिए भी एक अलग से केबल आपको प्रोवाइड किया गया इन द बॉक्स। देखो यही वो केबल है, इसमें रिंग नहीं है, मतलब ये स्मार्टफोन का केबल है क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है माइक्रोफोन स्मार्टफोन, तो यहां पे आप अपने माइक्रोफोन को लगाओ और स्मार्टफोन में लगाओ और आपका माइक हो जाता है चालू। और भाई इस माइक में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या पता है? विंडशील्ड। इस माइक को आप देख सकते हो ये एक शॉटगन माइक है, एक ही डायरेक्शन की ऑडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है, तो इन पब्लिक और इन व्लॉगिंग दोनों में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अधिकतर पब्लिक में यूज करोगे क्योंकि व्लॉगिंग माइक है एक तरह से, बाकी बात स्टूडियो में भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ये कोल्चू वाला माउंटर आपके पास होना चाहिए तब जाकर के ये इस माइक को आप यूज कर पाओगे अपने ट्राइपॉड के साथ। वैसे ट्राइपॉड भी मेरे पास है जो कि डिजिटेक की ओर से आता है, मिनी ट्राइपॉड 200 MT, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ट्राइपॉड है ये, मात्र 350 में लिया था मैंने बिग बिलियन डेज में। करते हैं इसे असेंबल और आपको दिखाते हैं इसका लुक। देखो इसे ऐसे पकड़ना है और ये कंप्लीट हुआ। अब ये जो शॉक माउंट है उसे भी ऐसे सिंपली आपको इसे थोड़ा सा ऊपर करना है, यहां पे आपको थोड़ा सा जगह मिल जाता है तो इसे ही आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है माइक। अब यहाँ पे जो केबल होता है, भाई हम अपने मोबाइल फोन को यूज करना चाहते हैं इस माइक के साथ, तो हो गया। अब इसे कोल्ड शू माउंट में कैसे यूज करना है, तो देखो ये है मेरा माउंटर, यहां पे है कोल्ड शू, सिंपली इसे थोड़ा सा लूज करना है, इसे इस तरह लगा देना है और इसे टाइट कर देना है, तो ये इसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो गया है। अब सिंपली ट्राइपॉड को पकड़ना है, देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सिंपली अपने मोबाइल फोन को लेना है, यहाँ पे फिक्स करना है, बाहर चले क्या? तो भाई हम आ चुके हैं छत और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नॉइज है क्योंकि जस्ट मेरे पीछे रोड है, बट इस माइक के कारण बहुत ही ज्यादा नॉइज कंट्रोल हो जा रही है और बहुत ही कम नॉइज आ रही है हमारे वॉइस में, जबकि ये एक डायरेक्शन की आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अभी तक आपने जो भी सुना था वो रॉ ऑडियो था इस माइक का, बट अब जो आप सुन रहे हो वो एडिटेड ऑडियो है। तो यहाँ पे देखो एडिटेड और रॉ दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम है और नॉइज कंट्रोल इसका बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। इन बजट ये माइक बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है किसी भी व्लॉगर के लिए और अधिकतर व्लॉगर्स इसे ही पसंद करते हैं क्योंकि इन बजट बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ऑडियो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल। तो देखा कैसी क्वालिटी है इसकी, बाकी सब और यूज करते करते आपको बताऊंगा, इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा और यूज करके कुछ व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सेकेंड चैनल है मेरा अभिषेक विश्वकर्मा व्लॉग्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब बताओ इस इन बजट माइक्रोफोन में
क्या खामी रह गई यार, इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रही है जबकि ये 1800 से 2000 रुपए में ही मिल रही है। रोड का माइक 5500 से 6000 रुपए में मिल रहा है। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है इसके साथ। खैर मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इसकी ऑडियो क्वालिटी। आपको अगर इसका ऑडियो क्वालिटी पसंद आता है, रॉ ऑडियो और एडिटेड ऑडियो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बट ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा भयंकर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई करना चाहते हो परचेस करके तो कर लो। तो भाई इसका रिव्यू और यहाँ पे जो मैंने आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाई वो कैसी लगी, और तो और लास्टली मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल आपको ये माइक कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये सच में खरीदना है तो यार मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। और भाई अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो या इससे रिलेटेड तो यार लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और बजा दो। We'll be right back.